हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल अगेन। सो ये फर्स्ट एपिसोड है इस नई सीरीज का, जिसमें मैं मेरे पुराने एडिट्स और वीडियोस के जो सीन है उनका ब्रेकडाउन करूंगा एंड आई विल ट्राई टू रिक्रिएट इट। तो उनको हम रिक्रिएट करेंगे और आज जो हम सीन बनाने वाले वो मेरे रिसेंट एडिट का जो सबसे लास्ट फ्लावर फील्ड वाला सीन है वो हम आज रिक्रिएट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये इमेज जो मेरे पास है ये मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैं एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ जो है 1920x1080p 30 FPS और 5 सेकेंड लॉन्ग ये सीन होने वाला है, और इसको मैं नेम दे देता हूँ फ्लावर फील्ड। ओके, और यहाँ पर मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ एक ये कैरेक्टर लेयर है, लाइक एक PNG है बस, और इसको मैं प्री कंपोज कर लेता हूँ और आई विल नेम दिस कैरेक्टर। ओके, और अभी हमको इसका काम नहीं है सो आई विल जस्ट डिसेबल इट। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक सॉलिड लेयर ले रहा हूँ और आई विल नेम दिस बैकग्राउंड, और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे इफेक्ट ग्रेडियंट रैम्प। यहाँ पे मैं ब्लैक को चेंज कर रहा हूँ हल्के ब्लू से, लाइक दिस। देन मैं ये जो ग्रेडियंट का ओरिजिन है इनको थोड़ा सा बाउंड्री से मूव करूंगा, तो ये जो लेयर है ये हमारा बैकग्राउंड का काम करेगी। उसके बाद मैं एक और सॉलिड लेयर लूंगा और आई विल नेम दिस एलिमेंट, और इसके ऊपर हम एलिमेंट 3D इफेक्ट ऐड करेंगे। मैंने इस लेयर के ऊपर एलिमेंट 3D इफेक्ट ऐड कर दिया है। नाउ हमको क्या करना है, हमको एलिमेंट 3D में एक 3D मॉडल चाहिए उस फ्लावर का, तो वो हम कहाँ से लाएंगे, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। ब्राउजर पर यू जस्ट हैव टू सर्च फ्री 3D एंड फ्री 3D.com जो वेबसाइट है यू विल हैव टू विजिट इट, और वहाँ से 3D मॉडल यू कैन डाउनलोड, और किसी और सोर्स से भी हम 3D मॉडल इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये डेजी का जो 3D मॉडल है इम्पोर्ट किया था, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, इट्स फ्री। तो उसको इम्पोर्ट करना है एंड एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर सीन सेटअप में जाना है एलिमेंट 3D के। देन यहाँ पे हमको लेफ्ट में इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखता है, सो इम्पोर्ट, और जो डेजी का अभी है हमने मॉडल डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड हिट ओके। तो एज यू कैन सी यहाँ पर ये डेजी हमारे व्यू पोर्ट पर आ चुकी है। अभी हमको इसको सिलेक्ट रहना है, रहने देना है, और इसके बाद में नॉर्मलाइज साइज जो है इसको चेक कर देना है। तो हमारे जो डेजी का फ्लावर है ये थोड़ा ये नॉर्मलाइज हो चुका है। ओके, अभी हम इसको रोटेट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं रोटेशन टूल पर जाऊँगा एंड जो रेड वाला सर्कल दिख रहा है आई विल सिलेक्ट दिस, और इसको मैं मूव करूंगा और इस फ्लावर को मैं टिल्ट कर दूंगा। तो मेरा फ्लावर अभी ऐसा वर्टिकली स्टैंड कर रहा है अभी अभी मैं इसको करता हूँ ओके, और यहाँ पे हमारा ये फ्लावर आ गया है। नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूँगा, मैं क्या एक कैमरा लूंगा, न्यू कैमरा, और ये एक 3 mm का कैमरा है, आई विल जस्ट हिट ओके। और इस पे मैं फॉर नाउ डेप्थ ऑफ फील्ड बंद कर रहा हूँ, वी विल टर्न इट ऑन लेटर। ओके, सो इस कैमरा पे पी प्रेस करना है, और मैं इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर रहा हूँ ताकि फ्लावर थोड़ा नीचे जाए। ओके, लाइक दिस, दिस इज गुड, अराउंड 150। देन मैं इसके रोटेशन को भी थोड़ा चेंज कर दूंगा, एक्स रोटेशन को माइनस फोर इज गुड वैल्यू, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ये चीज़ें चेंज। देन अब हम जाएंगे एलिमेंट लेयर पर और हम पूरा फील्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, ग्रुप वन ओपन करना है, बिकॉज अगर हम सीन सेटअप में जाए तो वी कैन सी जो ये फ्लावर है ये मॉडल ग्रुप वन को असाइन है यहाँ पर, राइट। सो हम ग्रुप वन ओपन करते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे पार्टिकल रेप्लिकेटर में, और यहाँ पर हम जो इस पार्टिकल है इस पार्टिकल को हम डुप्लीकेट करेंगे। तो हमको एक प्लेन क्रिएट करना है, तो हम यहाँ रेप्लिकेटर शेप में सिलेक्ट करेंगे प्लेन, बिकॉज हम एक प्लेन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में हम पार्टिकल काउंट को अभी के लिए 1000 कर रहे हैं। ओके, सो मैं इसको अभी के लिए 1000 कर देता हूँ, बाद में हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। बट हम देख सकते हैं यहाँ पर जो शेप है पार्टिकल का वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हमको इसको थोड़ा स्प्रेड करना है। अगर मैं यहाँ दूसरे व्यूवर पर सिलेक्ट करूँ टॉप व्यू, तो ये कंसंट्रेटेड शेप के अंदर 1000 फ्लावर्स है टोटल। अभी हम शेप को बड़ा करना चाहते हैं, तो व्हाट वी विल डू इज यहाँ पर स्केल एक्स वाई जेड जो है
इसको हमको चेंज करना है। सो मैं स्केल को बढ़ा रहा हूँ और आई विल कीप इट अराउंड, इसको हम जितना बढ़ाएंगे उतना ये एक्स में स्प्रेड होंगे, तो मैं इसको 20 कर दे रहा हूँ या 25 कर दे रहा हूँ आई थिंक। और जो जी है, अगर मैं जी इंक्रीज करूँ तो ये ऐसे इंक्रीज हो, इसका जो स्केल है वो इंक्रीज होगा। और इसकी वैल्यू को मैं कर दे रहा हूँ अराउंड 50। सो मैं जी को ज़्यादा रख रहा हूँ एक्स से, ताकि जो हमको होराइजन है उसका थोड़ा शेप जो है वो सर्कुलर मिले। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो फ्लावर है ये थोड़ा एक आर्क क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। सो मुझे ये चाहिए था, दैट्स वाई मैंने जी वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा रखा है एज़ कम्पेयर टू एक्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि ये सारे फ्लावर एकदम लीनियरली अरेंज अगर हम देखें तो एकदम लाइन में, वी डोंट वॉन्ट दैट। और ये इनका एंगल भी इक्वल है, वी डोंट वॉन्ट दैट। और इनका साइज भी बिल्कुल सेम है, पर ये भी नेचुरल नहीं है। सो हमको ये तीनों चीज़ों को चेंज करना होगा, साइज, रोटेशन और उनकी पोजीशन को। तो सबसे पहले हम साइज चेंज करते हैं, उसके लिए हमको क्या पार्टिकल लुक में जाना है, एंड यहाँ पर जो पार्टिकल साइज रैंडम है इसको हमको चेंज कर देना है सिंपली 50 तक। सो मैंने इसको 50 कर दिया और अब हम देख सकते हैं कुछ फ्लावर छोटे हो गए, कुछ फ्लावर बड़े हो गए। सो वो रैंडम हो गए और इट्स लुकिंग अ बिट नेचुरल। ओके, अब नेक्स्ट थिंग जो हमको चेंज करनी है वो है इसका रोटेशन। अगर हम देखें तो ये सारे फ्लावर, इनका अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वल है और ये जो इनका फेस है वो भी एक ही डायरेक्शन में है, बट हमको वो नहीं चाहिए। सो हम क्या करेंगे, पार्टिकल रोटेशन में जाएंगे एंड यहाँ पर हम रैंडम रोटेशन एक्स वाई जेड पे जाएंगे और इन तीनों वैल्यूज को हमको चेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जिसको चेंज करना है वो वाई रोटेशन रैंडम। इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं इसकी वैल्यू अराउंड 300 रख रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं सारे जो फ्लावर्स है वो अभी बिल्कुल रोटेट हो चुके हैं अलग अलग डायरेक्शन में। नेक्स्ट थिंग, ये जो फ्लावर्स है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है और ऐसा नहीं होता है, थोड़े थोड़े टिल्टेड रहते पौधे और जो फ्लावर्स रहता है। सो हम इसके एक्स और जी की रोटेशन को थोड़ा रेंडमाइज कर देंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं बट जस्ट लिटिल, दिस मच इज इनफ। मैं इसकी वैल्यू 6 या 10 के बीच में रख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमको चेंज करनी है वो है इसकी पोजीशन, क्योंकि अगर हम देखें तो ये अभी भी फ्लावर बिल्कुल लाइन में जमा हुआ है एंड इट्स नॉट नेचुरल। तो उसके बाद में हमको जाना है मल्टी ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है और जो वैल्यूज हमको चेंज करनी है वो स्कैटर एक्स वाई जेड फॉर। तो एक्स स्कैटर और जेड स्कैटर को हमको चेंज करना है, तो इसकी वैल्यू बढ़ाना है हमको और इसकी वैल्यू बढ़ा के मैं कर दे रहा हूँ अराउंड 20 और जी स्कैटर की वैल्यू भी मैं बढ़ा के 20 कर दे रहा हूँ। तो ये फ्लावर बिल्कुल रैंडमली अभी अरेंज हो चुके हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर टॉप व्यू पर और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं बिल्कुल रैंडमली अरेंज है। नेक्स्ट थिंग जो हमको करनी है वो इनकी हाइट को चेंज करना है। तो अगर हम देखें ये फ्लावर बिल्कुल एक लेवल पर है, बट ऐसा नहीं होता है। सो उसके लिए हम नॉइस या वाई स्कैटर को हल्का सा चेंज कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वाई स्कैटर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ जिससे फ्लावर अलग अलग लेवल पे जाए, कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे जा रहे हैं। सो इसकी वैल्यू को ज़्यादा चेंज नहीं करना है, जस्ट लिटिल। तो मैं इसकी वैल्यू को 3 रख रहा हूँ और हमारा जो फील्ड है वो भी क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसके नीचे एक ग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ सीन सेटअप में और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एक प्लेन और मैं इस प्लेन को इस ग्रुप से बाहर ले आऊँगा। तो आई विल जस्ट होल्ड इट और इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगा जब तक ये रेड लाइन ना आ जाए, और जब ये रेड लाइन आएगी तो मैं इसको छोड़ दूंगा। सो ये जो प्लेन मॉडल है ये ग्रुप के बाहर आ गया है। अब मैं इसमें ग्रुप 2 असाइन कर दूंगा और मैं यहाँ पर स्केल टूल लूँगा और इसको मैं स्केल कर दूंगा बहुत ज़्यादा। सो दिस इज इनफ। और यहाँ पर मैं प्रो शेडर जो प्रीसेट्स है उसमें मैं ग्राउंड का मटेरियल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो दिस इज़ फाइन। तो हमारे पास ग्राउंड भी आ गया है। मैं इस ग्राउंड की पोजीशन को थोड़ा चेंज करूँगा, इसको थोड़ा नीचे ले जाऊँगा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और नेक्स्ट थिंग जो हमको करनी है वो इस इन फ्लावर्स को एनिमेट करना है, ताकि वो विंड विंड की वजह से मूव होते हुए लगे। उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पार्टिकल रोटेशन में जाना है, देन वी विल हैव टू गो टू रोटेशन नॉइस। और यहाँ नॉइस के अमाउंट को मैं आप के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कितना इंटेंस मूवमेंट आपको चाहिए।
मैं इसको सेट कर रहा हूँ 5 पर, और इस नॉइस एवोल्यूशन को एनिमेट करना है। तो नॉइस एवोल्यूशन के पास में जो स्टॉप वॉच है, मैं इसको क्लिक करूँगा अल्ट होल्ड करके, और मैं एक एक्सप्रेशन टाइप करूँगा टाइम आस्ट्रिस्क 20, 30 या 40, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। मैं सेट कर रहा हूँ 30, तो मैंने टाइप किया टाइम आस्ट्रिस्क 30, और अगर मैं इसको अभी प्ले करूँ तो हमारे फ्लावर्स जो ये मूव हो रहे हैं एज यू कैन सी, और ऐसा लगेगा लाइक दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ विंड। नाउ हमको क्या करना है, इन फ्लावर्स के अमाउंट को बढ़ाना है बिकॉज ये अभी बहुत खाली खाली लग रहा है। तो हमको क्या करना है, पार्टिकल रेप्लिकेटर में जाना है और इसके पार्टिकल काउंट को हमको इंक्रीज कर देना जब तक ये बिल्कुल इवन ना लगे। तो मैं इसको 10,000 करके देख रहा हूँ। ओके, सो 10,000 इज प्रिटी गुड। नेक्स्ट थिंग जो हमको करना है वो हमको कैरेक्टर को ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बंद करूँगा। देन वी विल गो टू कस्टम लेयर, और यहाँ पे कस्टम टेक्सचर मैप्स को हमको सिलेक्ट करना है, और यहाँ लेयर 1 पे हमको ये कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब सीन सेटअप में जाना है, देन क्रिएट, और एक प्लेन लेना है हमको एक और, और इसको मैं असाइन कर दूंगा ग्रुप 3। ओके, नाउ इस प्लेन को हम रोटेट करते हैं लाइक दिस, और इस प्लेन को हम टू साइडेड प्लेन भी कर देते हैं। देन मैं इसकी लेंथ को थोड़ा इंक्रीज करूंगा। सो मैं स्केल टूल सिलेक्ट करूंगा, ये मॉडल सिलेक्ट करूंगा, स्केल टूल सिलेक्ट करूंगा, और ये जो ब्लू हैंडल है आई विल मूव इट लाइक दिस। तो इसका स्केल जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है, एंड आई विल हिट ओके। सो एज वी कैन सी यहाँ पर ये वाइट कलर का एक प्लेन आ चुका है, बट इसके ऊपर अभी कैरेक्टर नहीं है। सो हमको उस कैरेक्टर को जाना है ना। मुझे क्या करना है, इस प्लेन मॉडल को ओपन करना है, और यहाँ जो ये मटेरियल है इसमें जाना है। देन यहाँ टेक्सचर्स, डिफ्यूज और नन जो ये सेट है, इसकी जगह हम यहाँ ड्रॉप डाउन से कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड आई विल हिट ओके एंड ओके। तो वो जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर अभी हमको विजिबल हो रहा है, राइट। और मैं ग्रुप 3 को ओपन करूँगा यहाँ पर, देन आई विल ओपन पार्टिकल रेप्लिकेटर, और यहाँ जो ये पोजीशन है इसको मैं चेंज करता हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी ये जो प्लेन जो हमने कैरेक्टर लेयर लिए इसके ऊपर ये ब्लैक और अजीब सा लाइक बैकग्राउंड आ रहा है, वी वांट टू रिमूव दैट। उसके लिए क्या करना है, यहाँ सीन सेटअप में ही जाना है, और जिस प्लेन पर, जिस ग्रुप 3 वाले प्लेन पर मैंने कैरेक्टर सेलेक्ट किया है वहाँ नीचे हमको स्क्रोल करना है, मटेरियल सेलेक्ट करके नीचे स्क्रोल करना है यहाँ पर, और ये जो अल्फा थ्रेशोल्ड है वी हैव टू इंक्रीज इट्स वैल्यू जस्ट लिटिल। लाइक ये जीरो है ना, तो हम इसकी वैल्यू 0.2 या समथिंग इंक्रीज कर देंगे जस्ट लिटिल। और जैसे मैं वो करता हूँ तो ये जो पीछे का बैकग्राउंड है वो गायब हो जाएगा। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, ये सीन को थोड़ा रियलिस्टिक रियलिस्टिक बनाना है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो ऐड करेंगे एक एम्बिएंट लाइट, न्यू लाइट, और यहाँ पर एम्बिएंट लाइट ऐड कर रहा हूँ मैं वाइट कलर की, जिसकी इंटेंसिटी है 100। और जैसे मैं उसको ऐड करता हूँ हमारा जो सीन है वो थोड़ा ब्राइटन अप हो चुका है, बिकॉज पहले ये बहुत ज़्यादा डार्क एंड डल था, बट नाउ इट्स अ लिटिल ब्राइट। नेक्स्ट थिंग हमको क्या करना है, हमको कैमरा पे डेप्थ ऑफ फील्ड लगाना है। सो कैमरा पे जाऊँगा, कैमरा ऑप्शन, एंड आई विल इनेबल दिस डेप्थ ऑफ फील्ड ऑप्शन। ओके, अब इसके बाद में हमको, मैं इस ब्लर को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। सो जो फोकस है वो अभी हमारा सामने, बट हम उसको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं। सो आई विल जस्ट मूव इट लाइक दिस ताकि वो कैरेक्टर पर फोकस करे। ओके, सो अभी जो हमारा पूरा मेन फोकस है वो कैरेक्टर पर आ चुका है। यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अपर्चर एज वेल, जिससे बाकी के एरियाज जो है वो ब्लर हो जाएंगे। सो एज वी कैन सी जो बैकग्राउंड है कैरेक्टर के पीछे, और ये फ्रंट वाले फ्लावर्स हैं, ये हमने, ये ब्लर है बिकॉज वो अभी हमारे मेन फोकस पर नहीं है, क्योंकि फोकस पर हमने अभी कैरेक्टर को रखा हुआ है। नाइस, दिस आर लुक्स। और अब मुझे कैमरा को एनिमेट करना है, तो मैं कैमरा पे पी प्रेस करूंगा, देन आई विल की फ्रेम इट, और बिगिनिंग में मैं इसको पास ले जाता हूँ कैरेक्टर के बिल्कुल। दिस इज हाउ आर सीन लुक्स नाउ। तो इट लुक्स गुड।
और इसमें एडिशनली वी कैन कंपोजिट दिस कैरेक्टर विथ लाइक उसमें ब्राइट ग्रेडियंट और ब्राइटनेस वी कैन ऐड, और हम फ्लावर का अमाउंट भी इंक्रीज कर सकते हैं, और इफ वी वांट वी कैन ऐड सम क्लाउड्स इन द बैकग्राउंड एज वेल। दिस वाज इट फॉर दिस ट्यूटोरियल, और ये सीरीज पे वीडियोस मैं हर वीकली लाइक हर वीक अपलोड करूंगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस ट्यूटोरियल या फिर कोई सजेशन देना हो, and follow me on Instagram. Thanks for watching.